Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आज इस खास मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं, वो राजस्थान से जुड़ी है, बीजेपी सरकार से जुड़ी है और वसुंधरा राजे। राजस्थान के सियासत के पल्लू में जो तस्वीर छिपा रखी है, उस तस्वीर को वसुंधरा राजे के दामन में अब कुछ दाग लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि राजस्थान में जिस तरीके से वसुंधरा राजे और बीजेपी की हार हुई है, उस तरीके से तस्वीरें साफ दिखने लगी हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में राजस्थान के अंदर होना क्या है। क्योंकि अभी तक जो कवायदें लगाई जा रही थी, उसमें तस्वीर साफ नजर आ रही थी कि वसुंधरा राजे आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए, क्योंकि इतनी बड़ी हार की जो बीजेपी पार्टी जिसने सपना देखा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, क्या कांग्रेस मुक्त भारत राजस्थान से बनेगा जिसमें कांग्रेस ने ही बीजेपी पार्टी को कड़ी शिकस्त दे दी है। जो पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस का सफाया कर रही थी और उसी को मुंह की खानी पड़ी राजस्थान में, तो अब क्या लगता है कि राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बोलबाला होगा या फिर कांग्रेस फिर से सत्ता में आ जाए। क्योंकि राजस्थान का इतिहास रहा है कि पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। ये जो सत्ता का परिवर्तन है, और सत्ता का परिवर्तन होना जरूरी रहता है, क्योंकि जब अभिमान सत्ता का, गुरूर जब चढ़ने लगता है तो जनता जवाब देने लगती है, और जवाब अब कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है। खैर, इससे पहले एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने खास इंटरव्यू दिया है, उसका कुछ अंश हम आपको सुनवाते हैं। राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में विपक्ष का सूपड़ा साफ कर देने वाली भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव में खुद ही सूपड़ा साफ हो गया। कमजोर और बटी हुई मानी जा रही कांग्रेस ने न सिर्फ तीनों सीटें जीती बल्कि दमदार तरीकों से जीती। ये तीनों सीटें पहले बीजेपी की थी। अलवर और अजमेर लोकसभा सीटों पर 2014 के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर 61.56% से घटकर 40.44% रह गया। माडलगढ़ विधानसभा सीट पर तो बीजेपी का वोट शेयर 2013 के 52% से गिरकर 32% आ गया। चुनाव में ये नुकसान राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए निजी तौर पर झटका है, बीजेपी के लिए ये भी खतरे की घंटी है, क्योंकि इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी है। उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद अपने पहले इंटरव्यू में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य के राजनीतिक हालात पर, हार के पीछे के कारण और सरकार की आगे की राह पर उन्होंने चैनल से बात करते हुए बताया। बातचीत के कुछ अंश आपके सामने पेश है। दो लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर हाल में हुए उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार का सामना करना पड़ा, क्या वजह रही? हालांकि हम भी परिणामों का विश्लेषण कर रहे हैं। विपक्ष की ओर से शूद्र राजनीति, मौजूदा विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, जनसेवाओं के मामले में फील्ड में तैनात अफसरों की असंवेदनशीलता और लापरवाही उपचुनावों में कमजोर प्रदर्शन के लिए प्राथमिक कारण लगते हैं। कुछ क्षेत्रों में जनता के साथ जुड़ाव की कमी थी। शूद्र राजनीति से आपका क्या आशय है? उदाहरण के लिए अगड़ी जातियां, जिन्हें समाज के लिए मिसाल बनना चाहिए था, कुछ मुद्दों को लेकर कट्टर रुख अपना रही है। क्या ये विकास के लिए सही है? विपक्ष ने अपने तत्कालिक फायदे के लिए इन भावनाओं को हवा दी, ये अच्छी राजनीति नहीं है। आपने जनता से जुड़ाव की कमी की बात की है, इसे कैसे समझाएंगे?
पार्टी के विधायकों और अधिकारियों दोनों को जनता से मेलजोल बढ़ाने की जरूरत होती है। सरकारी अधिकारी खासकर वो जो मैदान में काम कर रहे हैं और जनता से सीधा संपर्क में रहते हैं, अक्सर नागरिकों से सही तरह से संवाद स्थापित नहीं करते। कलेक्टर, BDO, SDO और पुलिस को जन शिकायतों के प्रति पर्याप्त संवेदनशील होने की जरूरत होती है। ये चिंता का विषय है। क्या पद्मावत मामले में आंदोलनकारियों से नरमी बरती गई? आपको नहीं लगता कि ऐसे तत्वों के प्रशासन को सख्ती से निपटने की जरूरत थी? नहीं, जब जरूरत थी हमने सख्ती की। सभी समुदायों, जातियों, पर्यटकों, आम लोगों की सुरक्षा हमेशा ही हमारी पहली प्राथमिकता रही है। क्या राजपूत और जाट को BJP के पक्के समर्थन माने जाते हैं? उन्होंने इस उपचुनाव में कांग्रेस को वोट दिया। सरकार में इनका महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व है। जातियों के सरकार के खिलाफ चले जाना का सवाल तर्कसंगत नहीं लगता। यहाँ तक कि सभी जाति केंद्रित आंदोलनों से राज्य सरकार पूरे संवेदनशील ढंग से निपटी है। हमारा पहला उद्देश्य राजस्थान में सुशासन और साथ ही कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। क्या राजपूत गैंगस्टर के एनकाउंटर में हुई मौत ने इस समुदाय के एक वर्ग को नाराज किया? कानून व्यवस्था बनाए रखने के मुद्दे पर जाति, समुदाय या राजनीति नहीं देखी जाती। किसी प्रशासन को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। किसानों की दिक्कतें पूरे देश में बड़ा मुद्दा बन चुकी हैं। आपके राज्य में भी किसान कर्ज माफी, मुफ्त बिजली आदि की मांग कर चुके हैं। आपकी सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी, कांग्रेस ने उन्हें इसका वायदा किया है। क्या आपको नहीं लगता कि किसान भी आपकी सरकार के खिलाफ हो चुके हैं? क्या मैं लोकप्रियता की चाह में फंसकर बैंकों का खजाना खाली कर देती? अगर मैं ऐसा करती तो ये अच्छी राजनीति लेकिन खराब अर्थनीति होती। मैं राजस्थान को कई दशक पिछले ढकेल देती। क्या मैं किसान समुदाय का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में काम नहीं करूं? क्या मुझे सुशासन पर फोकस नहीं करना चाहिए? कांग्रेस अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर चुकी थी और मैंने उसे पिछले कार्यकाल में इसे उबारा। उन्होंने फिर वित्त व्यवस्था का कबाड़ा कर दिया और राजस्थान को कई दशक पीछे ले गए। मैं पिछले 4 साल से इसे फिर से साफ कर रही हूं, क्योंकि मेरा फोकस सुशासन, गुणवत्तापूर्ण तथा पारदर्शी सेवाओं पर है। हम किसानों की समस्याओं के दीर्घकालिक हल पर काम कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। पिछले 60 साल में पहली बार नहरों के नेटवर्क की मरम्मत की जा रही है। आप कांग्रेस को कैसे दोषी ठहराएंगी? देखिए, दिसंबर 2008 में मेरे ऑफिस छोड़ने से पहले डिस्कॉम वितरण कंपनियों का कर्ज 15,000 करोड़ था। दिसंबर 2013 में जब मैंने दोबारा चार्ज संभाला तो ये बढ़कर 80,000 करोड़ हो गया, लेकिन इस साल के अंत तक ये फिर से घटकर 2,500 करोड़ हो जाएगा। विधानसभा चुनाव नजदीक है, आपके पास मजबूती के लिए 7 से 8 महीने का समय है। आप ये कैसे करेंगी? हमने बहुत काम किया है और बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। हमने कई योजनाओं को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। राज्य के 1 करोड़ परिवारों के लिए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में 2015 में लॉन्च हुई थी। ये योजना देश के वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में लगातार 2 साल सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। हमारे पास भारत में सबसे लंबा हाईवे नेटवर्क है। डिजिटल राजस्थान में पास 48,000 कॉमन सर्विस सेंटर है, जो कि देश में ऐसे सेंटरों का कुल 25% है। कानून व्यवस्था के मामले में अभी कमांड सेंटर 4 डिवीजन मुख्यालय जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर में स्थापित किए गए हैं। बाकी 3 जोधपुर, भरतपुर और बीकानेर में जल्द ही स्थापित किए जाएंगे। जी, तमाम जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने हार का ठीकरा कहीं ना कहीं उन्होंने गलती मानी है कि कुछ गलतियां ऐसी रही हैं जिससे BJP उपचुनाव में हारी है, और यही चीज़ देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से जिम्मेदारी ली है कि कार्यकर्ताओं और कुछ उनकी भी कमी है, जिससे कहीं ना कहीं BJP को करारी शिकस्त मिली है राजस्थान के अंदर। और वसुंधरा राजे ने मान लिया है कि ये मेरी बहुत कड़ी हार है और इस पर मंथन करना चाहिए। अगर मंथन नहीं होगा तो आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, BJP की शिकस्त बहुत बुरी तरीके से लग सकती है। जो कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान जो चला रखा है प्रधानमंत्री मोदी ने, और BJP के चाणक्य के तौर पर अध्यक्ष पद पर काबिज जो अमित शाह है, उन्होंने जो सपना देखा है, क्या वो पूरा हो पाएगा? अगर इस तरीके की
चीजें निकलकर बाहर आती हैं, स्टार प्रचारक की लिस्ट बन जाती है। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करने नहीं जाते हैं। कोई ऐसा नेता केंद्र का नहीं जाता है जो बीजेपी, जिसको कह सकती है कि राजस्थान के अंदर उपचुनाव हुए तो मेरा ये नेता प्रचार करने के लिए गया। लेकिन वहीं राहुल गांधी ने बड़ी चतुराई से गेम खेला। अपने जो जमीनी हकीक जो जमीनी कार्रवाई करने वाले, जो जमीनी पर काम करने वाले जो नेता हैं, उनको बाकायदा वहां उतारा और उन्होंने एक इस तरीके से रणनीति बनाई कि तीनों सीट पर कांग्रेस का विजय हुआ। हालांकि इंटरव्यू में आपने देखा है कि वसुंधरा राजे ने अपनी गलती को स्वीकार किया है, प्रधानमंत्री मोदी को जवाब दिया है, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री मोदी जवाब मांग रहे हैं उनसे, और उन्होंने इस इंटरव्यू के जरिए राजस्थान की जनता को, बीजेपी को, सभी को जवाब दे दिया। आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए।